शारदा, what a surprise! इस औरत की बात तो मुझे भूल ही गई है। मानसी, तुम्हें भूलने की भूल मैं कर सकती हूँ क्या? जबकि मुझे पता है कि मेरी हर मुसीबत में तुम ही मेरे काम आती हो। चल ना, अंदर चल के बहुत सारी बातें करते हैं। चल चल। नहीं नहीं मानसी, फिर कभी। एक्चुअली आज थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे हस्बैंड ना किसी काम से पूना गए हुए हैं और मेरे चाचा जी ICU में एडमिट है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन गोकुल को वहाँ नहीं लेके जा सकती ना, इससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या तू इसे शाम तक अपने घर पे रख सकती है? हाँ बिल्कुल, तू बेफिक्र होके जा, मैं इसे संभालूंगी। वैसे गोकुल तंग तो नहीं करेगा ज्यादा, लेकिन फिर भी इसके बारे में ना कुछ बता देती हूँ। है तो ये 5 साल का, पर बोलता थोड़ा कम है। अगर इसे कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो ये हिस ऐसे करके आवाज करता है, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे से करके सर हिलाता है। और हाँ, इससे ना दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। गोकुल, ये हमारे बंटी का कमरा है, आज तुम यही रहोगे, ठीक है? बहू कहाँ है, जल्दी आ। आई माँ जी। गोकुल तुम यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो। टिकी कॉमिक्स है, तुम इसे पढ़ो, ये लो। गोकुल तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ये रो क्यों रहा है? गोकुल तुम्हें दूध चाहिए? अभी लाती हूँ, ठीक है? अरे बहू, माँ जी आराम से। अरे कितनी देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ, कहाँ जा रही है तू? माँ जी मुझे दूध गर्म करना है, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड शारदा है ना। अच्छा, तेरी फ्रेंड शारदा की स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, पहले तू ये बता आज की सारी तैयारी हो गई कि नहीं? माँ जी आज कोई खास बात है? ओ, भूल गई। अरे पिछले हफ्ते ही तो तुझे बताया था कि आज योगा सेशन मेरे घर में होने वाला है। मेरी सारी योगा वाली फ्रेंड्स 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगी, तो तू मेरे कमरे में सफाई करके मैट्स लगा दे। हाँ कर दूंगी, कर दूंगी। कर दूंगी नहीं, अभी कर। सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा अनुष्का, तुम क्या सीरियल की एक्टिंग कर रही हो? देखो ये जो एक्टिंग है ना, वो एक ऐसी कला है जो अंदर से निकलती है, इसलिए जब भी परफॉर्म करती हो ना, तो अंदर से महसूस किया करो, यू नो। ठीक है ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? सर अंदर, अभी आप ही ने तो कहा कि अंदर से महसूस करो, इसलिए अंदर जा रही हूँ। वापिस आओ, वापिस मार्क पे आओ। मार्क हिला तो फोकस हिला। तुम हे भगवान, तूने एक्टर प्रजाति को इतना डम क्यों बनाया है? अच्छे अनुष्का, तुम लोग गार्डन में क्या कर रहे हो? अरे अंदर जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ बिंदु भाभी, तूफान आने वाला है क्या? नहीं, अरमान आने वाला है। अरमान? अरमान द साइको किलर। अरे ये कब रिलीज हुई? अरे अच्छे इडियट, ये फिल्म नहीं है, न्यूज में आया है। अरमान दा नाम का एक साइको किलर जेल से भाग गया है, रोज एक खूबसूरत औरत का मर्डर करता है, और उसका एक साइकोटिक बिहेवियर है, मर्डर करने से पहले वो रो पड़ता है। ओ, हो, तो वो जरूर हमारे रोपड़ से होगा। रोपड़? हाँ, वो मर्डर करने से पहले रो पड़ता है ना। अजय स्टॉप दिस, पीछे और अंदर जाओ, और अपने आप को बंद करके रखो, वरना वो जब आएगा ना, तो तुम दोनों की बैंड बच जाएगी। वैसे मैं तो चली, ये न्यूज मोहल्ले की सारी खूबसूरत औरतों को देने। भाभी भाभी भाभी, जाते जाते मानसी भाभी को बता दीजिए ना। There is no need, अजय, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ खूबसूरत औरतों का मर्डर करता है। वैसे अनुष्का, मैं सोच रहा हूँ साइको किलर पे एक स्क्रिप्ट लिखूं, रोते रोते हंसना सीखो। सी क्या होगा कि अगर वो रोते रोते हंस देगा ना, तो वो लोगों का मर्डर नहीं करेगा, वो हंसता रहेगा, खुश रहेगा। अरे वाह सर, कितनी एनर्जी है आप में, कितना करंट सोचते आप, एकदम हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज? हाँ। पीजे पीजे पीजे। गुड बॉय। गोकुल तुम्हें और दूध पीना है? मैं अभी लाई। अरे बहू अच्छा हुआ तू आ गई, तू जरा खीर में करछी घुमा, मैं बाकी की तैयारी करके आती हूँ। जी माँ जी।
लेने आई थी ना। पता है माँ जी ने सारा दूध खीर में डाल दिया है। बेचारा गोकुल भूखा होगा ना, क्या करूं? बिंदु भाभी के यहाँ से लेकर आती हूँ। ये सीन हमारी फिल्म के क्लाइमेक्स से जस्ट पहले का सीन है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फिल्म यहाँ लड़खड़ा ना जाए। लेकिन आप क्यों लड़खड़ा रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम कहानी पे ध्यान दो। भाभी हाँ? ये खाली पतीला लेके कहाँ जा रही है? अजय घर में दूध खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि बिंदु भाभी के यहाँ से थोड़ा ले आती हूँ। बिंदु भाभी? वो तो मोहल्ले में कोई खबर सुनाने गई है। खैर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स, आज मैं बिना दूध के काली चाय पी लूंगा। तुम्हारे बात नहीं कर रही हूँ, घर में ना वो तो बहू इधर आ, आके जरा मैट लगवा दे। जी आई माँ जी। अजय सर हम लोग रिहर्सल के लिए चले? हाँ रिहर्सल के लिए। तुम्हें क्या करना, एक्सप्रेशन को पार कर रखो, खेलो। क्या करूँ? चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम ये पढ़ो। ओहो, गोकुल के लिए और दूध कहाँ से लाऊं? कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि गोकुल का स्वास्थ्य एकदम फिट हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग, इस ग्लास में ऐसा दूध आ जाए जिससे पीते ही गोकुल का स्वास्थ्य एकदम फिट हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। गोकुल ये रहा तुम्हारे लिए दूध। भाभी चाय दे दो ना प्लीज। हाँ अभी लाई। गोकुल तुम दूध पियो, तब तक मैं आती हूँ, ठीक है? को फोन करके पूछूं वो कब आ रही है। जी माँ जी। हे भगवान, लगता है अंगूठी ने फिर से गड़बड़ कर दी, गोकुल को इतना बड़ा बना दिया। बहू ये तुझे देख के हिस हिस क्यों कर रहा है? माँ जी ये बेचारा बोल नहीं सकता माँ जी। अच्छा ये नहीं बोल सकता, तू बोल के बता दे कि ये आदमी है कौन आखिर। आदमी नहीं माँ जी, ये तो बच्चा। बच्चा? नहीं, मतलब कि बच्चन सिंह है, नंबर है माँ जी। ये गर्दन हिलाकर कहने की कोशिश कर रहा है कि बाहर जो नल है ना, नल वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हो बोलो? माँ जी आप जाइए, मैं इसे नल ठीक करवा के ही रहूंगी। नहीं बहू मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, देखती हूँ ये कैसे नहीं ठीक करता नल। वाह बहू वाह, इन लोगों से निपटने का ना एकदम यही तरीका है, वरना आता जाता कुछ है नहीं, रो धो के बस पैसे एंट लेते। अच्छा बहू जी सुन, वो खीर तो बन गई है सबके लिए, लंच तैयार कर देना। हाँ अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, चलना इतना सारा काम करना है। जी चल माँ जी नल। एक्शन। वेरी गुड, सारा ध्यान बुक पढ़ने में है, एक हाथ से जुल्फ सवारी और तभी तुम्हारा ध्यान बाहर की तरफ गया और अभी तुमने वो साइको किलर देखा जिसके हाथ में चाकू है, उसे देखकर तुम चौंकी। शाबाश, अभी वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, चिल्लाओ।
अरे अनुष्का, चाकू और सुई में फर्क करना सीखो। तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? देखो डर दिखाई नहीं दे रहा, डर दिखना चाहिए, डर दिखाओ। डर ना सर, अभी दिखेगा। एक और टेक कीजिए। रेडी? रेडी सर। हाँ, इस बार ध्यान से। रेडी एक्शन। सारा ध्यान बुक पढ़ने में है। एक हाथ से जुल्फ सवारी, ध्यान बाहर की तरफ गया, और ये तुमने वो साइको किलर देखा जिसके हाथ में चाकू है। तुम चिल्लाई, शाबाश, वेरी गुड। अभी वो अपने दोनों हाथ बढ़ा के तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हारा गला दबाने के लिए। अरे वाह अनुष्का, वाह, क्या चिल्लाई हो तुम। सचमुच में ऐसा लगा जैसे वाकई में तुमने बाहर कोई साइको किलर देख लिया हो। सर वो सचमुच बाहर खड़ा है। अरे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है? मुझे लग रहा है ये वही साइको किलर है जो रोते रोते लोगों का मर्डर कर देता है, जिसके बारे में बिंदु भाभी बता रही थी। हाँ, वही है, रो रहा है, रो रहा है। तुम ड्राइंग रूम की खिड़की से भाग के अपने घर चली जाओ, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरत औरतों को मारता है। औरतें सर, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ। अनुष्का, कभी तो तुम बड़ी होगी, औरत बनोगी। भागो, जान बचाओ, जाओ तुझे तो मैं बताता हूँ। रुक जा। हेलो, पुलिस है। मामा, चुप रह, कौन हो तुम? मेरी मम्मा। How dare you? मैं इतने बड़े बच्चे की मम्मी नहीं हो सकती। रोपड़ का साइको किलर, खूबसूरत औरत, बचाओ! क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? दूर हटिए बहन जी, ये एक असामाजिक तत्व है, मनोरोगी हत्यारा। क्या है? आपकी भाषा में इसे साइको किलर कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अरे आप आ भी गए वेरी फास्ट। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, यही है वो साइको किलर जो जेल से भाग गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो साइको किलर जो खूबसूरत औरतों का मर्डर करता है। देखिए, मैं खूबसूरत हूँ ना? अरे क्या देख रहे हैं? इसने मुझ पर अटैक किया है। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अटैक कैसे कर सकता है? ये तो प्लम्बर है भाभी। hey, तुम बताओ, क्या तुम नल सुधार अभी करते हो? अजय, देखा, ये रो रहा है, ये अटैक करेगा अभी। देखा, ये रो रहा है, यही है वो साइको किलर, पकड़ लो इसे। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे तो वो रोएगा नहीं क्या? बिना सबूत के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये साइको किलर है और जेल से भागा हुआ है, तो इसकी कोई फोटो है आपके पास? आप ये ठीक कह रही है, कानून के अनुसार तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं चित्र लेकर आऊंगा और इसे गिरफ्तार करके जाऊंगा, तब तक ये आपके कब्जे में है। सर पांडू, ए, तुम पांडू नहीं हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। सर मैं पांडू नहीं, नारायण हूँ। जो भी हो, चलो। अरे अरे तुम रो मत, चलो 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 मेरे साथ, चलो चलो। देखा अजय, यही है वो साइको किलर जो प्लम्बर बन के आया है खूबसूरत औरतों पर अटैक करने। हे भगवान, तूने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया? अपने आप को सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी, जब तक वो इंस्पेक्टर उसका चित्र लेके आएगा, तब तक हमें उस पर नजर रखनी होगी ना। आई 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 चलो, क्यों बनाया तूने मुझे इतना खूबसूरत? जल्दी से इसे छोटा करना पड़ेगा। चुप, क्या हुआ? भाभी और
जाए हमारी बातें सुन रहे। हे भगवान। अब प्लंबर जल्दी से नल को ठीक करो, समझे? दरवाजे पे नजर रखनी होगी क्योंकि वहां से नीचे आने का यही एक रास्ता है और वो साइको किलर भागना नहीं चाहिए। अजय, वो इंस्पेक्टर उसकी फोटो लेकर ही आता होगा। ओके। वॉच अजय, वॉच। हाँ है, है वॉच है। इडियट, ये वॉच नहीं, वॉच देखो। अच्छा वॉच, वॉच। बस अब तो बहुत हो गया, तो मुझे जल्दी से गोकुल को छोटा करना ही पड़ेगा। रिंग रॉन्ग रिंग, गोकुल छोटा हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। माँ, वो ऊपर वो साइको किलर आया हुआ है। माँ, साइको किलर? नहीं नहीं, मनोरोगी हत्यारा वो रही, ये है। और पुलिस ने इसे थोड़ी देर पहले पकड़ भी लिया। देखा, मैं कह रही थी ना कि वो एक प्लंबर ही है। और उस बेचारे से मेरे तरफ से भी क्षमा याचना कर लीजिएगा। जय हिंद। अरे क्या कह रहा था, प्लंबर मान्यवर पता नहीं क्या। अरे मानसी जी, कहीं ये वही प्लंबर तो नहीं जिसे तुम बाहर रुला रही थी? हाँ आंटी जी, वही प्लंबर। बाय मिस्टेक हमने उस प्लंबर को साइको किलर समझ लिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो उससे माफी मांगनी चाहिए। कहाँ है वो? अरे कहाँ गया? कहाँ है प्लंबर? अरे भाई प्लंबर, अरे बुरा मांग गया क्या? कहाँ प्लंबर? माँ, बिंदु भाभी, वो प्लंबर तो यहाँ नहीं है। हाय मानसी। हाय शारदा, तुम आ भी गई? हाँ। इतनी जल्दी? गोकुल ने तंग तो नहीं किया ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा तो कहाँ है वो? वो ऊपर। ओ भाभी, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, कहाँ गया? कहाँ चला गया? कहाँ गया मेरा बेटा? वो प्लंबर आपका बेटा है? अरे कैसी बात कर रही हैं आप, मेरा बेटा बहुत छोटा है। भाभी, वो प्लंबर कहाँ गया? मानसी, मेरा बेटा कहाँ गया? तुम्हारा बेटा? मम्मा, मम्मा। अरे ये आवाज तो मेरे बेटे गोकुल की है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गोकुल, बेटा कहाँ है तू? ये नीचे, नीचे से आवाज आ रही है ना? पीछे से? हाँ हाँ, देखो देखो। गोकुल, जल्दी से बेचारे को ठीक कर देती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, गोकुल पहले जैसा था ना बिल्कुल वैसा ही हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अच्छा, ये आपको बेटा? ओ ले ले, इतना क्यूट है। सॉरी, थोड़ा शरारती है। थोड़ा? जी जी। ओके मानसी, थैंक यू वेरी मच, तो मैं चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मेरी सहेलियों के आने का वक्त हो गया है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो साइको किलर तो पकड़ा गया, अब खूबसूरत औरतें सेफ है। ओके बाय मानसी। थैंक यू। फ्रिज? ये फ्रिज क्या होता है? फ्रिज?
हाँ, फ्रिज ना एक ठंडा डब्बा होता है जिसमें सब्जियाँ रखने से सब्जियाँ खराब नहीं होती है। मैं थोड़ी देर इसके अंदर बैठ जाऊँ? नहीं, इसके अंदर ना अब बर्फ होती है, ठंड लगती है। बर्फ तो यहाँ भी आ सकता है। कैसे? ऐसे। अरे तुम क्या कर रही हो? किचन में बर्फ पड़ रही है, मैं क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.